देवतम देवम कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज 18 जून 2023 को हम मिल रहे हैं, गीता के ऊपर आगे स्टडी कर रहे हैं और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया श्लोक हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लिया था। फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्याय। ये चतुर्थ अध्याय में ज्ञान से कर्म में संन्यास और वो कैसे योग द्वारा, ये जो अध्याय है उसमें पूरा का पूरा अगर कोई कहे कि गीता में से ज्ञान और कर्म और संन्यास भक्ति नहीं, ज्ञान कर्म और संन्यास साथ में कैसे समझ में आ सकता है, तो उसके लिए चौथे अध्याय की स्टडी करना जरूरी है। और कोई बोलेगा इतनी सारी स्टडी क्यों, तो उसके बारे में भी आप सोचेंगे। तो पहले जरा ये जो फोर्थ चैप्टर का 11th श्लोक है उसका थोड़ा चैंटिंग करेंगे और आप कर सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। हमारी जबान उतनी संस्कृत के लिए फिट नहीं है, हमें पढ़ाई नहीं दी गई है तो फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 11th श्लोक ऑफ फोर्थ चैप्टर मैं धीरे धीरे जाऊंगा ताकि धीरे धीरे हम लोग सब साथ में बाद में बोल सके। आई विल चैंट एंड यू कैन देन रिपीट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में लास्ट टाइम देखा। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए इसके जो इसके आगे से आगे वाला श्लोक था उसमें ये था कि भगवान की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड गॉड, उसके बारे में हम लोगों ने सोचा था। भगवान की जरूरत क्यों है, भगवान को हमारी जरूरत है, हमको भगवान की जरूरत है, और अगर भगवान नहीं भी है तो भी क्यों जरूरत है, नहीं मानने वाले को भी भगवान की जरूरत क्यों है, इसके बारे में सोचा। उसके बाद वाला जो श्लोक आया उसमें हम लोगों ने ये सोचा कि अगर भगवान की जरूरत सबको है तो कौन से भगवान, और आज के समय में कौन से भगवान को मानना चाहिए। कौन से भगवान मतलब राम को गणपति को ऐसा नहीं, ऐसा कौन सा भगवान का श्रद्धा स्थान होना चाहिए जो पूरे समाज को साथ में लेकर चले और ऑस्ट्रेसाइजिंग ना हो। हाँ, कोई एक भगवान सो कॉल्ड फेथ डायरेक्शन सेक्शन ऑफ फेथ, अगर वो कहे कि मेरा वाला है जो मानता है वो स्वर्ग में जाएगा बाकी सब नर्क में जाएगा, तो ऐसा भगवान सबको नहीं एप्लीकेबल है। इसलिए वो भगवान आज की तारीख में अगर हमें वैश्विक शांति की जरूरत है तो नहीं चलेगा। तो उसके बारे में हम लोगों ने सोचा था कि सनातन धर्म कौन से भगवान को बताता है और कैसे चलता है, उसी के अंदर हम आगे चलते हैं। तो मैं एक प्रश्न करता हूँ सब लोगों का, कभी आपके दिमाग में भी आया होगा तो अच्छी बात है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कोई एक राक्षस था और वो राक्षस ने फिर बहुत सारा तप किया और वो तप करने के बाद में उसको ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न हो गए, है ना, और बाद में उसको वरदान दे दिया, हाँ हिरण्यकश्यप हो गया, भस्मासुर हो गया। तो सोचो कि एक पता है कि आदमी बुरा है ना, पता है कि आदमी बुरा है, तो फिर उसको वरदान देना ये कोई अकल की बात है? तो ब्रह्मा जी उसको वरदान दे देते हैं, क्या यार कुछ भी, पता है एक आतंकवादी है आप उसको गन सप्लाई करते हो, ऐसे कैसे भगवान। हमें अगर समझ में आता है तो भगवान को समझ में नहीं आता है, सोचा कभी? और फिर उसको मारने के लिए बाकी सब देवता इकट्ठे हो गए और फिर कुछ भी कुछ कुछ जुगाड़ किया, हाँ, और उसके बाद में कोई अवतार आया और फिर वो अवतार ने वो दैत्य को मारा, ये क्या बात हुई, पहले उसको वरदान ही क्यों दिया, वरदान देने के टाइम पे सोचना चाहिए था। नहीं नहीं क्या है, कर्म का फल तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसका मतलब यहाँ जो कहा है वो
क्या कहा है, ये यथा माम प्रपद्यते तांस्तैव भजामि हम, तुम जो रूप में मुझे मिलते हो वो रूप में मैं तुम्हें मिलता हूँ, मेरा जो कर्म है वो कर्म करने के समय पर जो रूप में तुम मुझे भजते हो वो रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा, पहली बात। तो उसका जो भगवान है, उसने जो दिमाग में लाया है वो कौन सा भगवान है, ऐसा भगवान जो मुझे भस्मासुर बना सकता है, इसलिए भस्मासुर बन गया। इसलिए भगवान तो वरदान देते हैं ऐसा बोलते हैं, मगर वरदान क्या है आगे समझेंगे हम। और बाद में मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, तुमने जो भगवान की पूजा की वैसे तुम बन गए, साइंस है ये, यहाँ भक्ति नहीं है। इसलिए मैंने कहा ज्ञान योग कर्म और संन्यास के साथ में ये यहाँ ज्ञान की बात है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने सारे अच्छे भाव वाले भजन सुनने के बाद में अगर ज्ञान की बात करें ना तो थोड़ा चैलेंजिंग है। हाँ, क्योंकि भाव से आदमी एकदम गीला हो गया एकदम, उसके बाद में उसको ज्ञान की बात करेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग है, मगर हम ट्राई करेंगे। तो ऐसा कैसे है, हाँ, मम वर्तमान वर्तन्ते, जो तुम मुझे तुम मुझे भजोगे वो रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा, और जो रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा उसको तुम फॉलो करोगे। A=1 देन B=A+1 देन B=A देन A=A, लूप बन गया। उसको रन करो प्रोग्राम को, जिसको प्रोग्रामिंग मालूम है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि A=A+1 एंड देन A=A अगेन, तो चलती जाएगा 1 2 3 4 5 6 इन अनएंडिंग लूप, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। जिसने प्रोग्रामिंग किया उसको पता चलेगा, उसको लूपिंग कहते हैं। पहले आपने भगवान सिलेक्ट किया, फिर वो भगवान के अंदर आपने ये किया, उसकी पूजा की, और फिर हम वही बन गए जो हमने उसको किया। लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, हम लोगों ने ये लिया था मम वर्तमान वर्तन्ते, उसके दो मीनिंग है। फर्स्ट द वे वी सी हिम वी फाइंड हिम इन द लाइफ इन द सेम वे, हमारी जिंदगी में वो वही रूप से रहेगा। दूसरा मीनिंग है ह्यूमन मस्ट फॉलो, ह्यूमन फॉलो करेगा ही उसको, नहीं नहीं हम क्या मानते नहीं है, तुम किसी को तो फॉलो करते हो, आगे एग्जांपल लेंगे, आगे का श्लोक भी आएगा। हाँ नहीं नहीं क्या है, आप ऐसी लंबी लंबी बात करते हैं, आज के जमाने में मुझे कहाँ एप्लीकेबल है ये बताओ, वो क्या भगवान ये वो, नहीं हमारे पास बताओ। अच्छा यही वो एप्लीकेबल है, वेरी वेल। हाँ सबसे बड़ी बात सिलेक्टिंग ए लाइफ पार्टनर, तुम्हारा लाइफ पार्टनर कौन सा सिलेक्ट करो, नहीं बहुत खूबसूरत दिखती है नहीं चलेगा लंबा, पता है नहीं चलेगा। सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर, उसका नेचर क्या है, उसका फेथ क्या है, फेथ मतलब भगवान नहीं रिलीजन नहीं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, इट इज नॉट रिलीजन। उसका श्रद्धा स्थान कौन सा है, अगर समझो मैंने एक बेबी को, अगर एक लड़की को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, वो लड़की का श्रद्धा स्थान है पैसा, पैसा है तो सुख है, पैसा नहीं है तो सुख नहीं है। ऐसी लड़की को मैंने लाइफ पार्टनर सिलेक्ट किया तो क्या होगा, वो पूरी जिंदगी भर भगाएगी, यहां से पैसा ज्यादा मिलेगा, वहां से पैसा ज्यादा मिलेगा, हाँ जिंदगी भर मुझे भगाएगी वो, कहां से पैसा ज्यादा मिले, पैसे का ही उसके जीवन में स्थान महत्व रहेगा। माँ बाप बूढ़े हो गए, बहू करके है, अभी क्या इसका कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं संभालेगी वो माँ बाप को, वो नहीं संभालेगी। उसका श्रद्धा स्थान कौन सा है, रिलीजन नहीं। आई विल रिपीट इट बिकॉज इट विल बी ए ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक टू अंडरस्टैंड इट एज अ रिलीजन, रिलीजन नहीं। वो किसको संभालेगी, आपको कैसे, अच्छा नहीं इसको अगर ऐसी लड़की चाहिए तो वो ले लो, उसकी भी नानी है। मेरा हस्बैंड, उसके जीवन में कुछ एम है, मेरा बॉयफ्रेंड, उसके जीवन में कुछ कुछ गोल है, कुछ सिद्धांत के लिए जिंदगी जीने की तमन्ना है, पैसा पैसा। वो एक दिन बच्चे पैदा करेगा, वो आप बोलेंगे अरे मेरा बच्चा बीमार है जरा तुम देखो, अभी मेरे पास टाइम नहीं धंधे खोटी नहीं करने का, हाँ क्योंकि वो पैसे के पीछे भागेगा। उसका श्रद्धा स्थान कौन सा, श्रद्धा स्थान मतलब उसने कौन से भगवान को पूजन के लिए अपने लिए माना है, वो उसका श्रद्धा स्थान है, वो हिसाब से ढूंढना पड़ेगा मेरा लाइफ पार्टनर कौन सा चूज करूं, नहीं क्या यही तो श्लोक एप्लीकेबल है, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम, जो रीत से मुझे भजेगा वैसा मेरा पार्टनर होगा। क्या वो मुझे पार्टनर एप्लीकेबल है वो सोचो, अगर है तुमको तो शादी कर लो, उसमें क्या बुरा है।
देन फॉलो द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करो और क्या। हाँ, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में भी यही है, धंधे में खोटा करेगा झूठ करेगा तो चलेगा, मगर पैसा आना चाहिए। ऐसे आदमी के साथ में अगर पार्टनरशिप करेगा तो क्या होगा, एक दिन जेल में जाओगे, क्योंकि उसने गलत किया। उसको गलत करने में कोई हर्ज नहीं है, उसका कुछ भी झिझकता नहीं, यहां उसका दिल हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो श्रद्धा स्थान है वो कुछ भी गलत करके भी पैसा आना चाहिए, वो उसका श्रद्धा स्थान है, इसके लिए वो गलत करेगा। बिजनेस का पार्टनर बोलो, हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इलेक्शन, हाँ, इलेक्शन में जो खड़ा रह जाता है, मैं मुफ्त में तुमको दारू दूंगा, मुफ्त में दारू की दुकानें खोल के दूंगा, तुम हमको समाज में क्या सिखाते हो, बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा, नई पीढ़ी कैसी बनेगी। उसका श्रद्धा स्थान वो है, वो गलत है क्या सही है उसकी धारणा में मैं नहीं जा रहा हूं। यहां ये समझना, वो गलत है क्या सही है, वो बुरा है क्या भला है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसका श्रद्धा स्थान अगर वो है, और अगर आपका श्रद्धा स्थान भी वही है, इलेक्ट करो उसको, और अगर आपका श्रद्धा स्थान अलग है तो उसको वोट नहीं देना चाहिए। है ना एप्लीकेबल आज की तारीख में, वोटिंग का वोट किसको करना चाहिए, हाउ टू इलेक्ट अ लीडर, हु शुड बी ए लीडर। फिर वो चाहे कोई भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, अलग बात है। फिर बाद में उसके आगे आगे आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो एकदम फंडामेंटल रूल है। मेरा बिजनेस पार्टनर ऑफिसर्स, हाँ, ऑफिसर्स में क्या होता है, नहीं क्या है, उसके लिए रिजर्व सीट है, 40% रिजर्वेशन फॉर ए स्पेसिफिक सेक्ट ऑफ द सोसाइटी। मगर वो आदमी कैसा है, वो कुछ नहीं, फिर वो घूस लेगा, रिश्वत लेगा, फिर बोलेंगे अरे करप्शन आ गया, आएगा ही क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका श्रद्धा स्थान पैसा है, कैसे भी पैसे मिलना चाहिए। वो आदमी को आपने बना दिया गजेटेड ऑफिसर, तो वो तो यही बोलेगा ना कि तुमको क्या है, अच्छा बिल्डिंग में दूसरा माला लगाना है, ठीक है 15,000 दे दो, उसमें उसकी गलती नहीं है। यही तरीके से जब राक्षस भगवान को बोलता है कि मैंने तप किया है, मुझे ये वरदान चाहिए, भगवान को देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी वही राक्षस का जो फेथ है वो बन जाते हैं, हाँ वो बन जाते, इसीलिए वो उनसे उसको बूंद दे दिया, जाओ तुमको भस्मासुर का वरदान, जिसके भी सर पे हाथ रखो भस्म, नहीं तो भगवान गलत नहीं लगता है। ऐसे भगवान, ऐसे टाइप के भगवान कुछ भी वरदान दे देते हैं, ऐसे कैसे भगवान सोचते नहीं है, हाँ फिर भगवान खुद भागते फिरते हैं, भस्मासुर पीछे पड़ गया, बाबा बचाओ। खैर वो तो पुराण है, वो तो पुराण है, क्योंकि भस्मासुर के अंदर भी भगवान है, सर्वस्य चामृति से निविष्ट हो, मगर हम उधर तक नहीं जाएंगे। हम यहां ये श्लोक तक हमारे चीज को लिमिट रखेंगे कि क्या ये श्लोक क्या कहता है, और वो मेरे जीवन में कहां अप्लाई होता है, कहां अप्लाई होता है। द पीपल आई इंटरेक्ट इन माई लाइफ एवरी डे, चाहे कंपनी के अंदर मेरे कलीग्स हो, उसका श्रद्धा स्थान कौन सा है, उसके विचार कौन से हैं, और वो हिसाब से सिलेक्ट करो। कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे, कभी जिंदगी में खुद की गलती नहीं करोगे, हाँ कभी धोखा नहीं खाओगे, नहीं तो धोखा खाओगे, गारंटेड धोखा खाओगे, क्योंकि तुम्हारा और उसका श्रद्धा स्थान अलग अलग है। और फिर से आई विल रिपीट, इट इज नॉट द रिलीजन, हाँ हम आगे जाएंगे, बहुत सारा चीजें इसके अंदर, तो कौन सा भगवान, वो भी जो बात था उसमें भी कभी हमने ये देखा कि राम और गणपति की लड़ाई हुई, हाँ पुराण में कभी कभी किसी ने बता दिया शिव और विष्णु की लड़ाई हुई, ऐसा होती नहीं है, वो पुराण बनाने के लिए, पुराण तो क्या है, स्टोरी है, पुराण शास्त्र नहीं है।
जब सबका ही में के सर्वे ना सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, तो फिर उसमें क्या अलग अलग हो सकता है? तुमको जो रास्ता चाहिए उसमें मानो, नहीं मुझे सेवा का। हम लोगों ने देखा था पांच रास्ते हैं सुखी होने के, हाँ उसमें हम लोगों ने एक देखा सेवा का रास्ता। जलाराम बापा वो क्या मिलियनर नहीं था, अभी रिसेंट हिस्ट्री है, सेवा करके हम उसको पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति रखिएगा, सेवा के द्वारा उन्होंने ये पद प्राप्त किया है, इसके लिए हम उसका नाम लेते हैं सेवा के द्वारा। अगर मेरे मन में सेवा का विचार है तो उसको पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढो जिसको सेवा का विचार है तो साथ में रहेगा, जिसको मेवा का विचार है उसके साथ में आप शादी बनाओगे और बोलोगे चलो सेवा करेंगे तो क्या करोगे, वो नहीं आएगा साथ में, वो नहीं आएगी। फिर थर्ड पार्टी इंपैक्ट, हाँ बच्चों को संस्कार क्या देंगे, नहीं नहीं उसको ज्यादा कमाएगा ऐसा सिखाना है, वो बोलेगा उसको ज्यादा सेवा करना सिखाना है, नहीं नीचे मैच होगा, बच्चा कंफ्यूज एबीसीडी, मम्मी बोलती है ये करो, पापा बोलते हैं ये करो, करना क्या? फिर एजुकेशन सिस्टम और आई अंदर, और नहीं तुम तो ये करना है, अरे क्या इतना खिचड़ी बना दिया ना कि पूछो ही मत, उसमें से ही हमें ये निकालना है। मम वर्तमान वर्तन थे, इतना ब्यूटीफुल श्लोक है, ये श्लोक पूरी की पूरी डिटेल देता है, मगर आगे जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो फर, नहीं तो किताब फिनिश नहीं होगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं गीता का कोई भी एक श्लोक उठाओ, कोई भी एक इनफ है, 700 श्लोक में से इतनी लंबी कहां याद रही है, ये करो एक श्लोक उठाओ उसको पूरा समझो, कोई एक एक श्लोक उठाओ उसको पूरा समझो, इनफ है। सभी के सभी 700 आएंगे तो बहुत अच्छा है, आएंगे तो अच्छा है, मगर नहीं आएंगे तो एक श्लोक उठाओ, आगे का श्लोक करेंगे, आगे का श्लोक 12th श्लोक फोर्थ चैप्टर, फिर से हम लोग उसको चैंटिंग करेंगे। कांक्षंत कर्मणा सिद्धि, कांक्षंत कर्मणा सिद्धि, यजंता इह देवता, क्षिप्रम हि मानुषे लोको, सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसमें क्षिप्रम है, उसको क्षी है, क्षी मतलब क और स दो आता है, और उसके बाद में उसके पीछे पी और पी में प्र से दो है और अनुस्वार है, इसलिए उसको दबा के बोलना चाहिए, ये अंदर जाएगा, इट विल इम्पैक्ट योर बॉडी ऑल्सो, इसके अंदर साइंस भी है। क्षिप्रम ऐसे आना चाहिए आवाज, क्षिप्रम नहीं आना चाहिए। एनीवे आगे चलते हैं। हाँ, कांक्षंतम कर्मणा सिद्धि यजंत इह देवता, इन दिस वर्ल्ड दोज हु आर डिजायरिंग सक्सेस इन मटेरियल एक्टिविटी वर्शिप द सेलेस्टियल गॉड। जिसको मटेरियल चीजों की जरूरत लगती है वो लोग सेलेस्टियल गॉड, ये इतना एकदम लोएस्ट क्वालिटी का ट्रांसलेशन है, मगर उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है संस्कृत का इक्विवेलेंट इंग्लिश में, इसलिए यह ट्रांसलेशन करना पड़ता है। इन दिस वर्ल्ड दोज डिजायरिंग द सक्सेस इन मटेरियल एक्टिविटीज वर्शिप द सेलेस्टियल गॉड्स, मतलब देवता की पूजा करते हैं, कौन हो दोज हु आर डिजायरिंग द सक्सेस इन मटेरियल एक्टिविटीज, जिसको मटेरियल चीजों के बारे में सक्सेस चाहिए वो लोग किसकी पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। यजंत इह देवता, यहां के सेलेस्टियल इह देवता की पूजा करते हैं। क्षिप्रम क्विकली, तो क्या होता है उनको क्विकली, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, उनको यही वर्ल्ड में क्विकली एंड सर्टेनली, उसको क्या होता है यही वर्ल्ड में रिवॉर्ड मिलता है, सिद्धि, सिद्धिर भवती कर्मजा, उनको सिद्धि मिलती है। भवती का मतलब मैनिफेस्ट भी होता है, भवती का मतलब यू नो अचीवमेंट भी होती है, भवती का मीनिंग हो सकता है काफी, इंग्लिश में उसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है। तो बेसिकली ये कहते हैं कि जो लोग मटेरियल अचीवमेंट के लिए जो डिजायर होते हैं और वो लोग जो सेलेस्टियल देवता मतलब ये जो देवता की पूजा करते हैं उनको तुरंत क्षिप्रम, उनको तुरंत ही मानुषे लोके ये दुनिया में सिद्धिर भवती मिल जाती है।
सो वी सॉ इन द प्रीवियस लोक दैट गॉड इज रेसिप्रोकल, है ना, हम लोगों ने देखा गॉड इज रेसिप्रोकल, जैसे तुम मानते हो वैसे वो बन जाता है. बट इन हाउ डज ही रेसिप्रोकेट, वो रेसिप्रोकेट करता कैसे है ना, रेसिप्रोकेट कैसे करता. सो दोज़ हु गो टू हिम फॉर द मटेरियल गेन विल गेट द मटेरियल्स. वो मगर मटेरियल गेन का क्या होता है, मटेरियल गेन की दो क्वालिटीज होती है, भौतिक जो सुख समृद्धि आपको जो मिलती है उसकी दो क्वालिटीज. पहली क्वालिटी वो मॉर्टल है, वो टेम्पररी है, बराबर. आपको समझिए, आपने बोला कि मुझे भाई गाड़ी बदलना चाहिए, ठीक है, आपने 10 साल 15 साल एंजॉय किया, बाद में वो गाड़ी आप नहीं चला सकते, मुझे लेम्बोर्गिनी चाहिए, हाँ 250 माइल्स की स्पीड पे भागनी चाहिए. आपने ले ली, आपकी उम्र हो गई 85, अभी कहां से चलाओगे. तो मटेरियल वर्ल्ड जो है उसकी एक लिमिटेड टाइम है, मटेरियल गेन्स आर क्विक एंड टेम्पररी, वो जल्दी होता है और टेम्पररी होता है, मटेरियल गेन जल्दी मिलता है. अच्छा, हम तो पूरी जिंदगी मेहनत की है और अभी तक मिला नहीं, सब लोग ऐसे बोलेंगे ना, हम तो पूरी जिंदगी मेहनत की है मिला नहीं, मगर वो जल्दी मिला. हाँ, आप बोलेंगे मुझे मोक्ष चाहिए, तो बहुनाम जन्म नान्ते, हाँ बहुत जन्म के बाद मिलेगा आपको रिपोर्ट. मगर मुझे अगर समझो कुछ अच्छा नौकरी चाहिए, 4 साल का ग्रेजुएशन किया, अच्छा नौकरी मिल गई, पूरी लाइफ का जो स्पैन है, पूरी जिंदगी है, पुनर्जन्म के साथ में देखेंगे तो बहुत बड़ा स्पैन है, उसके रेफरेंस है तो ये बहुत क्विक है. मटेरियल गेम्स आर वेरी क्विक, ऐसा भगवान कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि सामने वाला क्या गेम है वो समझाने के लिए. हाँ, कांक्षतम, जो जिसको कांक्षा है, कांक्षतम तह कर्मणा सिद्धि, जिसको मटेरियल डिजायर है, डिजायरिंग द मटेरियल एक्टिविटीज, उसको क्या होगा, जल्दी से मिल जाएंगे. यहां मूर्ति पूजा की सीक्रेट है. देखिए, मूर्ति पूजा है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मूर्ति पूजा के अंदर बहुत डीप साइंस है, मगर हम उसको थोड़ा उसको टच करेंगे मूर्ति पूजा को, क्योंकि मूर्ति पूजा मटेरियल गेन और बिगर गेन दोनों को लेती है. मूर्ति पूजा मटेरियल गेन और बिगर गेन दोनों को लेती है. तो पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा, कि हमने बोला ना कि पहले तो भगवान जिस रूप में हम देखते हैं वो रूप में आते हैं, और फिर जो रूप में हम बचते हैं वो रूप में हमें मिलते हैं, और वो रूप में हमें रिटर्न देते हैं. अभी देखिए क्या हुआ, एक बार एक बनिया था. बनिया मतलब क्या, बनिया मतलब ये नहीं कि अरे ये पैसों पैसों, नहीं ऐसा नहीं, उसका नेचर जो जन्म से वो का जो स्वभाव लेकर आया ऐसा व्यक्ति. एक बनिया था, बहुत गरीब, कभी ब्राह्मण बनिया सुना, ब्राह्मण गरीब सुना है, मगर एक बनिया गरीब था, बहुत गरीब, अंधा आदमी था, भीख मांगता, इधर उधर घूमता था, उसको कोई भीख भी नहीं देगा, बनिया को कौन भीख देगा, ब्राह्मण है तो फिर भी चलो दया माया से कुछ भीख मिलेगी, बनिया को कौन भीख देगा. वो ऐसे ही बैठा रहता था, तो किसी ने उसको बोला भगवान का तप करो. हाँ, तप में सबसे ज्यादा तो उसने पूछा तप करूंगा सबसे पहले कौन प्रसन्न होगा, हु इज द फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट एंड हाइएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बनिया है. हाँ, तो उसने सोचा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसके, शंकर भगवान, भोलेनाथ है ना. हाँ, सब लोग बोलते हैं वो, क्या बोलूं अभी, जैसे समझते हैं कि शंकर भगवान को कुछ समझ में नहीं आता है, बेचारे भोले ही है, ऐसे ही भैया ऐसे ही. हाँ, तो भोलेनाथ की पूजा करो, तब किया भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ है. हाँ, भोलेनाथ भी भोलेनाथ क्यों है उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे. हाँ, भोलेनाथ क्यों जल्दी प्रसन्न होते हैं, बाकी के भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते. कभी ऐसा पुराणों में भी देखिए, विष्णु भगवान ने किसी को वरदान दिया और बाद में बहुत प्रॉब्लम हो गया, ऐसा सुना कभी नहीं, सुना ना, भोलेनाथ ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, विष्णु का वरदान मुश्किल है, वो भी क्यों, वो भी सोचना पड़ेगा, अगर इतना सारा सोचेंगे तो ये श्लोक रह जाएगा, इसलिए यहाँ स्टोरी के ऊपर ही रहते हैं. तो भोलेनाथ का तप किया, भोलेनाथ ने बोला क्या चाहिए, अब ये बनिया तो उसने बोला, बहुत सोच के रखा था पहले से. हाँ, इंटरव्यू में जाने के पहले सोचते हैं ना क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा जॉब है, बाकी कौन कौन से हैं, लिंक्डइन में जाके जो जो इंटरव्यूअर है उसका बैकग्राउंड क्या क्या है चेक करो. हाँ, एकदम दबा के बाद में इंटरव्यू देते हैं,
ये भी तो अभी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो पहले से रेडी होना चाहिए, वो तो रेडी बैठा ही था। जैसे भोलेनाथ प्रसन्न हुए उसको बोले क्या वरदान चाहिए, तुझे एक वरदान दूंगा, मुझे एक ही चाहिए, हाँ इतना बूढ़ा अंधा रोग से पीड़ित भिखारी ऐसा वैश्य ऐसा बनिया, उसने मांगा एक ही वरदान मांगा, भगवान आप अगर मुझे वरदान दो तो मैं ये मांगता हूं कि मेरे प्रपौत्र की बहू, मेरे प्रपौत्र की बहू सातवीं मंजिल की जो सोने की जो हवेली है, सोने से बनी हुई हवेली, उसकी सातवीं मंजिल के ऊपर अपने बच्चे को झूले में झूला रही हो, ऐसा मुझे दिखे, ऐसा वरदान मांगा। क्या मांगा उसने, दिखे मतलब आंख मांगी, प्रपौत्र मतलब कितनी लंबी उम्र मांगी, बुढ़ा है फिर भी शादी होगी, बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, उसकी शादी होगी और उसको भी बच्चा होगा, इतनी लंबी उम्र मांगी और जब तक पैसा रहेगा, नहीं तो सोने की हवेली कहां से रहेगी सात मंजिली, इसको बोलते हैं बनिया, ऐसा मांगा उसने। और दूसरी ओर है तुकाराम, हमारे तुकाराम थे, तुकाराम का धंधा नहीं था, तुकाराम भी बनिया था, ऐसा नहीं है, तुकाराम बाय हिज वर्ण ही वाज बनिया, वो दुकान चलाता था। तुकाराम को किसी ने बोला तुकाराम जी आप गाते हैं तो विठोबा आके नाचते हैं, हाँ वो गाते थे तो विठोबा नाचते थे, भजन गाएंगे तो इतने बड़े संत, बोला आप गाते हैं वो विठोबा नाचते हैं, यार एक दिन उसको जरा पूछ लो कि मेरा जरा धंधा भी तो चलाओ यार, ये क्या धंधा नहीं चल रहा है, बीवी गाली देती है मारती है, उसकी बीवी तो बहुत कर्कश आती मारती थी उसको, हाँ तुकाराम की बीवी उसको रोज फटकार करती, पैसा नहीं लेके आएगा, शादी बनाया बच्चे पैदा किए तो पैसा तो चाहिए, यू टू डू योर ड्यूटी एज एन हस्बैंड, तो बोला तुम जरा पूछ लो विठोबा को कि भाई मेरा धंधा कैसे चले, तो तुकाराम ने बोला बात तो सही है, धंधा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, व्हाट नो प्रॉब्लम, क्या करना पूछेंगे। तो फिर दूसरे दिन उसका जो दोस्त था उसने पूछा आपने पूछा विठोबा मिले तो, क्या हुआ विठोबा सामने मिले ना, भूल गया मैं, हाँ मैं भूल गया, पूछना ही भूल गया, अरे क्या बात करता है आज पूछ लेना, हाँ ये ठीक है, हाँ आज पूछूंगा, फिर से दो दिन तीन दिन सेम चीज रिपीट, अरे तुम पूछते नहीं हो, तुम्हारा धंधा चलता नहीं है, नहीं चलता है ना, बोलता है जब विठोबा सामने होते हैं ना मुझे धंधा दिमाग में ही नहीं आता है, हाँ मुझे धंधा दिमाग में ही नहीं आता है, विठोबा सामने है तो दिमाग में धंधा कैसे आएगा, इसलिए जैसे भगवान की भक्ति करोगे वैसे भगवान आपके सामने प्रसन्न होंगे और आपको देंगे, ये उसका मीनिंग है, ये उसका मीनिंग है। हाँ बनिया को वो हिसाब से मिला, तुकाराम को वो हिसाब से मिला, तुकाराम को गरुड़ का विमान आया और तुकाराम वन ऑफ द संत कहे गए हैं हमारे में, जो सदैव मतलब थ्रू हिज मॉर्टल बॉडी ही वेंट टू द विष्णुलोक, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है। तो यहां जो मटेरियल गेन की बात हो रही थी ना, क्विक एंड टेम्पररी, वो ये बात है, वो जल्दी मिल जाता है, एक दो चार पांच साल में मिल जाएगा, बनिया के जैसे बुढ़ा होके भी मिलेगा उसको, हाँ यही जन्म में मिलेगा, मगर मोक्ष वाला चीज, मन को शांति देने वाली चीज, वो मटेरियल गेन नहीं है, वो कैसे मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे। और इसी में मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा इसी में, मूर्ति पूजा के ऊपर बहुत सारा पॉइंट है, क्या कहें क्या ना कहें, मगर मूर्ति पूजा के स्टेप्स बता सकते हैं और वो स्टेप देखेंगे, घर पे जाइए खुद सोचिए, हाँ पहले तो इतनी सारी मूर्तियां हैं वही प्रॉब्लम होती है, हाँ कौन सी मूर्ति सही, हाँ जो नहीं मानते हैं वो बोलते हैं तुम्हारे में इतने सारे भगवान, बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या स्टेप है, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द रूप ऑफ अवर गॉड एज पर द क्वालिटी वी वॉन्ट टू इम्बाइब, मीन्स वी वॉन्ट टू अचीव दैट क्वालिटी, आपको जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी का भगवान का रूप सिलेक्ट करना है, ये सबसे पहली बात। इतने सारे भगवान है, कौन सा भगवान बड़ा कौन सा छोटा, कोई नहीं, सब इक्वल है, कौन सा रूप सही कौन सा रूप गलत, भगवान तो सब रूप में आ सकते हैं, तो कौन सा रूप गलत भी नहीं बोल सकते, कौन सा रूप सही भी नहीं बोल सकते, भगवान तो सब रूप ले सकते हैं, जो सब जगह है
जो सब रूप में है वो कोई भी रूप में होगा नहीं, इसलिए गलत रूप कौन सा कोई नहीं, सही रूप कौन सा सबके साथ, ये पहला स्टेप बहुत सिंपल है। हा? फिर आर्ग्यूमेंट्स आती है, वाई यू आर लिमिटिंग है ओमनीप्रेजेंट गॉड विद इन विद इन आइडोल, ऐसे आता है, भगवान सब जगह है तो उसको मूर्ति में क्यों डाल दिया तुमने, मूर्ति में तो ये घंट में भी है, वो ट्यूबलाइट में भी है, ओमनीप्रेजेंट है तो है, तो फिर ट्यूबलाइट की पूजा क्यों नहीं करते, हाँ क्वेश्चन है, वाई डू यू लिमिट। और इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा ये जो बात हो रही है ना, ये पिछले 1500, 2000, 3000, 5000, 10000 साल की आर्ग्यूमेंट है। अरे 10000 साल की आर्ग्यूमेंट इधर राधा कृष्ण मंदिर में 15-20 लोग सोच रहे हैं, हाँ उसमें क्या गलत है, क्योंकि मेरा जीवन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मैं मेरे जीवन के लिए सोचूंगा। इसके लिए सोच रहे Why you are limiting omnipresent? If he is a god, then he can reside in any shape. And why this shape? हाँ, ये shape क्यों? सब लोग बोलते हैं, ठीक है, चलो मान भी लिया है, ये shape क्यों? हाँ, अभी क्या एक बच्चा है, उसको क्रिकेटर बनना है। क्या एक बच्चा है, उसको लगता है मैं क्रिकेट खेलूं, क्रिकेटर बनूं, अच्छा क्रिकेटर मैं बनूं। बराबर है। तो वो घर में फोटो लगाता है, सचिन तेंदुलकर एकदम बेस्ट, ये मेरा आइडल। इसका श्रद्धा स्थान याद रखना, रिलीजियन की बात यहां नहीं हो रही, यहां श्रद्धा स्थान की बात हो रही है। हाँ, उसने क्या किया, उसका श्रद्धा स्थान कौन है, सचिन तेंदुलकर, तो उसने खड़ा हो गया, उसने सचिन तेंदुलकर का फोटो लगा दिया घर पर। हाँ, फिर सचिन तेंदुलकर के नाम जो फोटो था उसके नीचे नाम लिख दिया कोई भी एक हीरोइन का, ऐश्वर्या राय। हाँ, देखो सब हंस रहे, अरे सचिन तेंदुलकर का फोटो का नाम मशहूर है कैसे, एग्जैक्टली क्योंकि वो फोटो के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो फोटो के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इसीलिए जो मूर्ति सिलेक्ट करते हैं वो क्वालिटी वो मूर्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी तो दोनों मैच होंगे ना, तभी तो वो बच्चा सचिन तेंदुलकर देखेगा और क्रिकेट खेलेगा और शायद दूसरा सचिन तेंदुलकर भी बने। तो सबसे पहले तो मूर्ति और उसके अंदर की क्वालिटीज वो मैच होनी चाहिए, और आपको जो क्वालिटी चाहिए वो वाली मूर्ति उठाओ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो भगवान रहेंगे वो आप बनेंगे। सचिन तेंदुलकर लगाया, उसके नीचे फोटो के नीचे नाम लगाया, वो लड़का क्रिकेट खेलने लगा। इसलिए आपको जो क्वालिटी चाहिए, आपको जीवन में जो चीज चाहिए, वो भगवान उठाओ, वो मूर्ति उठाओ। साइंस है ये, प्योर साइंस, या कहीं भी भक्ति या कहीं भी कोई ऐसा विश्वास ऐसी बात नहीं है, प्योर साइंस। जो आपने जो श्रद्धा स्थान लिया वो श्रद्धा स्थान वाली वो क्वालिटी की मूर्ति उठाओ। आपको लीडर बनना है, गणपति की पूजा करो, गणपति गणों का पति, गणपति गण मतलब लोग, पीपल उसका पति, पति मतलब ओनर नहीं, प्रधान सेवक आज की तारीख में वर्ड बोलते ना ऐसे, हाँ पति मतलब संभालने वाला, हाँ पति मतलब संभालने वाला, पति मतलब ओनर नहीं, पति मतलब चाटा मारने वाला नहीं, हाँ पति मतलब संभालने वाला। सभापति उसका मतलब क्या, पूरी सभा का हस्बैंड, सभापति मतलब क्या, सभा को संभालने वाला, सभा को गाइड करने वाला। पति का मतलब क्या है, गाइडेंस करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, संभालने वाला, लीड करने वाला, उसको बोलते हैं पति। हस्बैंड वाइफ सोए हुए हैं, नीचे आया आवाज धड़ धड़ करके, तो दोनों जाके अरे नीचे कोई चोर आया लगता है, हाँ वो हस्बैंड जाके पलंग के नीचे घुस जाएगा चलेगा, अरे तू पति है, हाथ में बेसबॉल कम से कम बेसबॉल का बैट उठा के कौन है ऐसा करके आवाज करना चाहिए, वो घुस जाएगा पलंग के नीचे, छू 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 छू, ऐसा कैसा पति, ताकत होनी चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, वो पति है ना, तू भी छुप जाओ मैं भी छुप जाऊं, ऐसा कैसा पति। तो सबसे पहले बात क्या, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, हाँ लक्ष्मी माता, हाँ हस्तीनाद प्रबोधिनी, हाँ पद्ममालिनी, अरे क्या क्या क्वालिटीज दी है, एक एक वर्ड के ऊपर देखेंगे ना पागल हो जाएंगे, हमारे लोगों ने क्या क्या काम किया है उसके अंदर।
उसके बाद में क्या करेंगे, आइडोल डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे, देन वी विल मेक द आइडोल, हाँ फिर उसका शेप डिसाइड करेंगे। अच्छा भगवान को तुमने कौन से शेप में देखा, गणपति का मुंह ऐसा है, किसने देख के आया बोलो, किसने देखा, देखा किसी ने, तो कैसे बोलेंगे यही गणपति है और उसका यही रूप है। रूप कहां से आया, मूर्ति पूजा के अंदर रूप कहां से आया, वो रूप उसके गुण के ऊपर से आया। हाँ छोटा बच्चा है, दिखता है पिताजी बहुत गर्म हो गए, गुस्सा हो गए पिताजी, उसको उसमें राक्षस दिखता है ना। हाँ देखो कार्टून में होता है, कार्टून में बैड कैरेक्टर होता है ना, उसको कैसा बताते हैं, ऐसा कुछ उसका शेप अलग है, उसका कुछ ग्रीन कलर है, नाखून लंबा लंबा है, ऐसा बताते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए शेप की जरूरत है। तो जो भगवान की जो क्वालिटी है गणपति, उसका रिप्रेजेंट करने के लिए वो शेप की जरूरत पड़ी। तो वो जो शेप जो बहुत उच्चतम विचार वाले लोगों ने देखा, उसने भगवान को वो रूप में देखा, गणपति ये रूप में है, लक्ष्मी ये रूप में है, कृष्ण वो रूप में है। एंड देन वी डिसाइड द प्रोसीजर टू प्रे एज पर द क्वालिटीज ऑफ द गॉड। नेक्स्ट स्टेप, मैं जो बात कर रहा हूं ना, मैं आपको बोलता हूं इसके लिए कम से कम 200 पेजेस के एक एक चैप्टर बन सकते हैं। आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम नॉट बोस्टिंग ऑल्सो, इतना डीप है ये, मगर ये समझने के लिए मूर्ति पूजा का ये टॉपिक ये इसके साथ में निकलता है, इसके साथ में कनेक्ट होता है, इसके लिए कह रहा हूं। ध्यान से साथ में घर पे जाके सोचना, ये बहुत लंबा सोचने की बात है, एक महीना, दो महीना, छह महीना, दो साल, चार साल सोचने की बात है, वो सोच के कुछ बनाया गया है। हाँ फिर वो जो क्वालिटी उसकी है वो हिसाब से तुम उसकी पूजा करने का प्रोसीजर नक्की किया। ब्राह्मण, वेद के चार प्रकार, राइम्स मतलब जो श्लोक है वो, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब वो जनोई वाला ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण मतलब उसका जो प्रोसीजर है, यहाँ फूल रखो, यहाँ ये रखो, हाँ शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, गंधोदक स्नानम समर्पयामि बोलते हैं ना पंडित लोग जोर जोर से, हाँ वो वही है। उसको कैसे उसकी पूजा करे, क्यों पूजा करे, क्योंकि उसके अंदर की क्वालिटी मेरे अंदर आनी चाहिए। हाँ रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम, गणपति की पूजा रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम, ऐसे बोला गया है गणपति अथर्वशीर्ष में। अच्छा रक्त गंधानुलिप्तांगम, तो हम लोगों ने बोल दिया मतलब लाल रंग का फूल होना चाहिए। हाँ गंध मतलब गंधानु मतलब जिसके अंदर सुगंध है, और रक्त मतलब लाल, तो लाल रंग का फूल होना चाहिए करके हम लोगों ने हिबिस्कस का फूल, जासूद का फूल गणपति को लगाना चालू कर दिया। ऐसा थोड़ा होता है, रक्त गंधानुलिप्तांगम पसीने में से गणपति जिसकी सेवा करनी है, अगर लोगों की सेवा करनी है तो तुम्हारे पसीने में से रक्त की सुगंध आएगी। कितना पसीना बहाया रहेगा, कितना पसीना बहाया रहेगा वो लीडर ने जिसके पसीने में से रक्त की बू आती है, और वो गंध से लिप्त मतलब गणपति, रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम, हम लोग अभी गुलाल लगा देंगे गणपति को लाल, ऐसा नहीं है। गणपति बनना है, लीडर बनना है, तो तुम्हारा पसीना खून पसीना एक होना चाहिए, ये समझाता है गणपति। रक्त पुष्प कौन सा पुष्प, जीवन पुष्प, पूरा का पूरा जीवन जिसने दे दिया, पूरा का पूरा जीवन का एक एक पसीने की बूंद जिसमें रक्त का बू आती है, इतना पसीना जिसने बहाया वो गणपति की पूजा कर सकता है। रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै सुपूजितम, ये मीनिंग है उसका, इसको बोलते हैं ब्राह्मण, ये समझना पड़ेगा। ऐसे ही गणपति है गुलाल बिल्कुल ला दिया जासूद का फूल, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे से हाथ जोड़ दिए गणपति खुश हो जाएंगे, अरे क्या क्या कुछ भी कुछ भी। इतना बड़ा वैदिक तत्व ज्ञान जिसको सिर के ऊपर उठा के नाचा, इमर्शन नाचने लगा, इन गॉड वी बिलीव है ना, डॉलर के ऊपर लिखा है, यूएस डॉलर के ऊपर लिखा है इन गॉड वी बिलीव, वो किसने वर्ड दिया, इमर्शन ने दिया वो सेंटेंस, कौन इमर्शन, जो गीता को सिर के ऊपर लेके नाचा, अरे ऐसा पुस्तक दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा बोलने वाला इमर्शन, उसने जो बोला जिसको यूएस डॉलर के ऊपर लिखा गया है, उसको हम लोग एक फूल फेंक के गणपति प्रसन्न हो जाएंगे, इतना सस्ता बना देते हैं, इतना सस्ता।
इसलिए गर्व करना चाहिए हम कहां से आते हैं, समझना चाहिए। और हम यहां समझने की कोशिश करते हैं और ये करने के बाद देन वी ऑल्सो डिसाइड हाउ टू कम्युनिकेट इन द वर्ड्स। हाँ, फिर हम लोग राइन्स, हनुमान जी अतुलित बलधामा, हनुमान जी को बोलते हैं आप अतुलित बलधामा है। अभी हनुमान जी को पता ही है कि मैं हूं, तुमको बोलने की क्या जरूरत। मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियस बात है ये। उसके अंदर जो है वो क्वालिटी मेरे में आनी चाहिए, इसलिए सब अखाड़े के अंदर हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं। रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? सब अखाड़े वाले हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, क्यों रखते हैं? उसके अंदर का क्वालिटी मेरे अंदर आना चाहिए, इसके लिए रखते हैं। एंड डूइंग दिस एवरी डे विल स्टार्ट गेटिंग दिस क्वालिटीज इन अस। और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, अगर नेगेटिव क्वालिटी उठाए तो नेगेटिव आएगी, ऐसा ही है। उसके अंदर जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर आएगी। टाइम कम पड़ रहा है, क्यों हमने गीता उठाई उसके बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक व्हाई डिड वी लिफ्ट गीता। हम लोगों ने गीता क्यों उठाई, गीता क्यों उठाई, कृष्ण को हमने क्यों उठाया। बहुत सारे पुस्तकें हैं, शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, इतने सारे पुराण, गीता क्यों उठाई? क्योंकि गीता में कृष्ण है और कृष्ण में ये सब गुण है। कृष्ण प्रियतम है राधा का, मीरा का, गोपियों का, यशोदा मां का, देव की मां का, सबका प्रिय है वो। कृष्ण प्रियतम है, प्यार करने वाला गुण। वैसे ही कृष्ण वॉरियर है, सुदर्शन लेके सिर काट देने वाला वो भी कृष्ण है। गीता का ज्ञान देने वाला महाज्ञानी भी कृष्ण है। और वक्त आएगा तो रण छोड़ के भागने वाला भी कृष्ण ही है। When to act, how? दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे बोलने वाला काली वन को छोड़ देता है क्यों? काली अनाक को छोड़ देता है क्यों? काली वन को नहीं मार सकते हैं, दूसरे के थ्रू में मरवा देंगे। इतना पॉलिटिक्स, राजकारणी, पॉलिटिशियन दिखता है। कृष्ण में सब गुण है, इसलिए कृष्ण वंदे जगत गुरु, इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। और वो पूर्ण पुरुषोत्तम ने अपनी पूर्ण कला को जहां बताया वो योगेश्वर कृष्ण है। और यह योगेश्वर कृष्ण की बनाई हुई गीता, कही हुई गीता, गाई हुई गीता हम समझ रहे हैं। वी आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसके लिए गीता फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए गीता की स्टडी कर रहे हैं। वाई आर वी स्टडिंग गीता? वाई आर वी नॉट स्टडिंग पुराण? हम लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं ना, नहीं हमारे में बहुत अकल है तो थोड़ी लगाए हम लोग। इसके लिए कृष्ण भगवान, जिसके प्यार में गोपी भी पागल हो जाए, जो गुरु के लिए शिष्य स्थान कहने के लिए अर्जुन जैसा धनुधर रेडी हो जाए, जिसका नाम मात्र से कंस कांपने लगे, कितनी क्वालिटीज है उसके अंदर। इसलिए राधा कृष्ण बीच में है। कोई पूछेगा जिसको कुछ भी नहीं मालूम वो पूछ सकता है, लेकिन आज राधा कृष्ण बड़ी मूर्ति है, वो छोटी मूर्ति, वो छोटे भगवान है, बड़े भगवान है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू थिंक वहां है गीता, वॉट इज देयर इन गीता, दिस इज वॉट एग्जैक्टली वी आर डूइंग नाउ, बी प्राउड ऑफ इट। उसके लिए प्राउड करो, उसके लिए गर्व महसूस करो कि हम ऐसे विचारों को सोच रहे हैं। खाली गीता सिर के ऊपर उठाने से नहीं चलेगा, ओनली जस्ट प्रेइंग द गीता इज नॉट इनफ। दैट इज वाई वी टुक कृष्णा एंड गीता, दैट इज एग्जैक्टली द रीजन। नहीं तो गलत आदमी का गलत भी आंसर होता है ना, इसलिए तो भस्मासुर को दे दिया बदन। हम लोगों ने गीता उठाई क्योंकि हमारे में सब क्वालिटीज चाहिए, इसके लिए हम कृष्ण की पूजा करेंगे। बाकी भगवान सब एक ही, सब भगवान एक है, सब भगवान के अंदर वही क्वालिटीज है। बाकी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम,
दैट इज वाई वी आर गोइंग टू फॉलो गीता, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग गीता, दैट इज द रीजन. फिर ये जो विचार है वो नॉन बिलीवर को कैसे अप्लाई होते हैं? हाँ, कोई बोलेगा मैं बिलीव नहीं करता, तो उसको यही विचार कैसे अप्लाई होंगे ये हम सोचते हैं. ओमनीप्रेजेंट गॉड है, तो कोई बोलेगा अरे ये तो बहुत सारा एकदम नॉन बिलीवर लगता है, ये गीता की बात की, यू नो वी टॉक्ड अबाउट गीता, वी टॉक्ड अबाउट दिस, इट लुक्स लाइक वी आर नॉन बिलीवर. नहीं, क्या होगा व्हेन वी प्रे, व्हेन वी डू द शास्त्रोक्त मूर्ति पूजा, दोज क्वालिटीज कम इन अस, वी सी दैट क्वालिटी, दैट क्वालिटी विल कम इन अस. और हमारे अंदर का बैठा हुआ जो आत्मा है, चैतन्य, द लाइफ विदिन अस, विदिन अवर मॉर्टल बॉडी, वो चैतन्य को परमात्मा का स्पर्श होता है. वो मूर्ति में से हमारे अंदर परमात्मा का स्पर्श होता है और हमारा जो चैतन्य होता है वो जागृत होता है, और वो जागृत कुछ भी कर सकता है, वो चमत्कार कर सकता है, वो हमें गाइडेंस दे सकता है. इसलिए मूर्ति पूजा है. मूर्ति पूजा सिर्फ पत्थर की पूजा नहीं है, उसके अंदर का चैतन्य स्वरूप देखना चाहिए. आगे हम लोग देखेंगे, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ए कंप्लीट साइंटिफिक एनालिसिस, तो हम लोग ये आगे देखेंगे, नेक्स्ट संडे को मिलेंगे और ये श्लोक के बारे में आगे सोचेंगे. वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमार्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात्